हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज फिर से हम लोग आप लोगों का जो पेपर है ज्योग्राफी टीचिंग, उसी के जो टॉपिक हम लोग का कंटिन्यू चल रहा था, जैसा कि इम्पोर्टेंट ऑफ ज्योग्राफी एट एलिमेंट्री लेवल्स, माध्यमिक स्तर पर भूगोल की क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ पॉइंट के साथ इसको जाना, आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए फिर से आज कुछ पॉइंट के साथ फिर इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात, क्योंकि भूगोल की जो महत्ता है, भूगोल की जो विशेषता है, वो कहीं ना कहीं हमारे और पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा की ओर एक संबंध को दिखाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक और वातावरण के साथ हमें संबंध स्थापित हमेशा के लिए आने वाले जनरेशन के लिए भी अगर करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं भूगोल की जो सार्थकता है, भूगोल की जो महत्ता है, वो विस्तृत रूपों में चर्चा होनी चाहिए। जैसा कि पहला पॉइंट में हम लोगों ने यहाँ दिखाया है कि अपने देश में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति को तेज करने की प्रक्रिया तथा इसके परंपरागत समाज के आधुनिक रूप में सामाजिक बदलाव हेतु आने वाली समस्याओं से विद्यार्थी को परिचित कराना, यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को और एक परंपरागत जो समाज है उसको आधुनिक समाज में किस तरह से हम लोग उसको पुनर्जीवित करें, इस बारे में भी कहीं ना कहीं भूगोल की भूमिका पाई जाती है। अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, जब तक हम लोग किसी भी देश की जलवायु, किसी भी देश की प्राकृतिक संपदा की जानकारी हमें ना मिले और ये सब जानकारी हमें भूगोल के द्वारा प्राप्त होती है, तो जब तक इस सब की हमें जानकारी मिलती है भूगोल के द्वारा, तो ही हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकते हैं और जो हमारे बीच परंपरागत समाज है उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग आधुनिकता समाज के तौर पर बदलाव कर सकते हैं। ये अगर सारा जो क्रम है वो भूगोल के माध्यम से ही संभव हो सकता है। आगे आप लोग देख सकते हैं, भौगोलिक सूचनाओं तथा विभिन्न रूपों जैसे फोटोग्राफ, मानचित्र, एटलस, ग्राफ, आरेख चार्ट को पढ़ने, समझने तथा विश्लेषण करने की योग्यता और कौशल का विकास करना, जितने भी भौगोलिक पृष्ठभूमि है, जितने भी देश विदेश की जो भौगोलिक आयाम है, सभी को अगर हम लोग देख पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग एटलस का सहारा लेते हैं, मानचित्र का सहारा लेते हैं, ग्राफ, आरेख, ये जो भौगोलिक कंसर्ट है वो कहीं ना कहीं इस बात को हमें दर्शाने का एक प्रयास करता है कि बच्चों में इसे देखकर देश विदेश की जितने भी घटनाक्रम है उससे अवगत हो जाए। आगे हम लोग बात करते हैं भौगोलिक आयामों वाली विकास की समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन एवं विश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना, जितने भी भौगोलिक आयाम है, जितने भी भौगोलिक कॉन्सेप्ट हैं, वो सभी का जो विकास और अध्ययन की बात करती है वो कहीं ना कहीं भूगोल के माध्यम से हम लोग समझ पाते हैं। और भौगोलिक दृष्टिकोण को अगर वैज्ञानिक ढंग से हम लोग विस्तृत अध्ययन करने का जो क्रम है वो भी कहीं ना कहीं भूगोल के माध्यम से ही संभव हो पाता है। आगे हम लोग देख पाते हैं, भौगोलिक क्रियाओं में रुचि व कुशलता उत्पन्न करना, जिससे विद्यार्थी अपने अवकाश का सदुपयोग कर सके। बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज हैं, जिसके बारे में हम बच्चों को अवेयर करते हैं और वे कहीं ना कहीं छुट्टियों के समय, अवकाश के समय अपने भौगोलिक दृष्टिकोण का विकास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम लोग घड़ी में अगर कुछ छुट्टियां मना रहे होते हैं तो हमें ये बात मालूम हो जानी चाहिए कि हम ऐसा कौन सा इन्वायरमेंटल और प्राकृतिक जो विशेषता है उसको अपनाएं अपने घर परिवार में, अपने समाज में, ताकि समाज को भी फायदा हो, परिवार को भी फायदा हो। अगर हम अपने परिवार के खाली जगह में अगर एक भी पेड़ लगा लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं भौगोलिक जो एक्टिविटीज है उससे हम लोग को एक ऐसा मानदंड प्रस्तुत होता है कि हमें अपने परिवार में भौगोलिक दृष्टिकोण की जो विशेषता है वो कहीं ना कहीं विकसित होती जाती है, जिससे हम अपने परिवार को लाभान्वित होते ही हैं, समाज भी लाभान्वित होते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, ये कुछ की पॉइंट्स थे इसके माध्यमिक स्तर पर भूगोल की भूमिका के संदर्भ में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से
जो सेकेंडरी लेवल्स के स्तर पर भूगोल की क्या महत्ता है वो आज आप लोगों को दो वीडियो के माध्यम से बताया गया। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग फिर से अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।